देखा एक थे हम बात आप लोग के बतावा जाते ही बेचन भाई बड़ा कहलन। एक बार का बात हो बेचन भैया जन बाड़ा बम्बई में बिराहा गावे खाती नहीं बाबा। अब बिराहा गावे खाती नहीं साथी तब बीटी स्टेशन पर ही उतरलन। अब बीटी स्टेशन पर उतर के जब बहरे निकलन हम तो देखत हुवन कि एक ठे बहुत बढ़ियार बिल्डिंग बा बाबा। वही बिल्डिंगिया के बेचारू खड़ा होके देखे लगलन आ नीचे पार्टी वाले भाई जोन बाड़न बैठल बाड़े। पार्टी वाले सोचत हुवन कि ए भाई बेचन भैया ये बिल्डिंगिया पर कुछ लिखी है का आ तबले एक ठे शराबी घूमत फिरत आ गयल। बेचन के देख के कलत कि आए क्या कर रहे हो। बेचन भैया कहलन कि यह बिल्डिंगिया तो गिनत है। शराबी कहलत कि नहीं जानते हो एक तल्ला गिनने का एक रुपया लगता है। कितना तल्ला गिने हो। बेचन भाई कहलन कि अबहिन तो 20 तल्ला गिन ले है। शराबी कहलत कि लाओ 20 रुपया निकाल के फट से 20 रुपया दे दलन। बेचन भैया चल दलन वहां से पार्टी लेके। हारमोनियम मास्टर से अपने कहत हो कि देखले ना कितना बढ़िया रोके हम बेकूफ बनौली हैं। गिनले रही हैं 25 तल्ला आ देहली है ओके 20 रुपया। हमार ना बेचन है बेचन चलत है यह दिमाग जोन बा हम चौकियों पर आज लगाई। बड़ी बढ़िया बिरहा बेचन भैया से आप लोग हास रस कर सुन ला। देखा इनके बिरहवा पर हम ऐसन बिरहा गाव थे कि एकदम इनके बिरहवा पर बिरहवा हमार चपक जाई। कहना बा भूमिका का अंदाज बा तो भाई बुद्धि ही न की गणना मूर्खों में होती भाई शिकार का पात्र होता है मूर्ख। उल्टी समझ का जंगल में जा कर के भेड़िया देखा। भैया लोग बिराहा जगत में एक थे नई गजल हम पेश करत थे। गजल का क्या अंदाज बा मास्टर। वह गजल बा के तुम्हें पाके हमने के तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया लिखले हुए। चांद कब निकलता नजर से न दे। चांद कब निकलता
गुजरता है कब कब सहरते नदी। के अंदर बड़ा सुंदर भाव है मास्टर। यस सर। खिचड़ुआ नाम का गणेर एक जवान रहा, खिचड़ुआ नाम का गणेर एक जवान रहा, महामूर्खों में मूर्ख बुद्धि ने लदाल रहा। बात किया एक दिन राजा का सिपाही आके बात किया, भगोले भेड़ियों को भारी खुरापात किया। कहे खिचड़ू की कभी देखा नहीं राजा को, कहे खिचड़ू की कभी देखा नहीं राजा को, झूठे आके काहे करते हो तनाजा को। भैया तनी सा बात आप लोग समझला बाबूजी, कहानी समझला में बड़ा मजा आई। जय सिंह राजा के राज में एक ठे खिचड़ू नाव का गणेर रहलन बेचारू। भेड़ियन के रोज ले जाके जंगल में चरावे, वही से अपन पेट पर दाऊ चलावे। एक दिन राजा का सिपाही दूठे पहुंचलन और कहलन कि हे भेड़ सेड़ लेके यहाँ से भागा, और ना ही तो राजा साहब आ जाये हैं तो तुहके जेल हो जायी। तुहके तो जेल हो तन होबे करी, है भेड़ियों कुल नीलाम हो जाये हैं। तो समय खिचड़ू पाल कहला कि भैया एक ठे बात तोहलन से हम कहल चाहती, ये बतावा लोग कि राजा साहब के तोहन लोग देखले हुआ कि ना देखले हुआ। दोनों सिपाही कहलन कि आजी तुम महामूर्ख हो क्या, हम लोग राजा के सिपाही हैं तो क्या राजा को नहीं देखे हैं? देखे हैं राजा को हम लोग। वो समय खिचड़ू पाल बेचारू दोनों हाथ जोड़ के सिपाहीन से कहलन का यहाँ एक ठे गीत लग गई मास्टर। वह गीत बा जौन हमारे मास्टर साहब बजावत हुअन, तनी एकन बढ़ा ले बा मास्टर। वह तरज का लाइन बाप के गोरिया के मुसकी जवनिया हो, गोरिया के मुसकी जवनिया हो, बरछी भाला चला। सिपाहीन से देखली ना राजा के सूरतिया हो, देखली ना राजा के सूरतिया हो, हम गणेरी गजतिया। खिचड़ू पाल से मजाक कैलन का कहलन के दस पांच जूता कौनो मनई के मार, दस पांच जूता कौनो मनई के मार, दस पांच जूता कौनो मनई के मार। अरे देख ले राजा के जल्दी पधारा, देख ले राजा के जल्दी पधारा, देख ले राजा के जल्दी पधारा। चढ़ू कै भैल छ
बेचारू पाल जब सिपाहीन के मुँह से बात सुनलन हाँ बड़ा खुश भइलन। खिचड़ू पाल सोचत हुवन कि अब हमार काम जौन हो बन जाई। नतीजा निकलल का बाबूजी यहाँ एक ठे गीत बा। वह गीत बा जौन मास्टर साहब बजौलन हाँ के अखिया मिलावा खुशी हुअन कहत हुअन का अरे सोच खिचड़ुआ एहसान भइल रहिया सी पहिया के सोच खिचड़ुआ एहसान भइल रहिया सी पहिया के कहाँ पाई बबटोहिया सी पहिया भैया। खिचड़ू पाल अपन काम बनावे जाथुन का कैलन के झट दे सिपाही के पकड़ ले हथवा अरे मारी मारी जूता से फोड़ दे मथवा सच सच जूता जब सिपहियन के दहलन हाँ सिपहिया कथ बड़ा बदतमीज हो जी हमने ही बताया और मेरे ही ऊपर वार कर दिया। खिचड़ू पाल कहलन कि सरकार हमार बात तो सुना के तो हाई बतावा सिपाही कहलन कि ठीक है तुमने हमारा सर फोड़ा है ना चलो चलो साले हम तुम्हें राजा से फांसी दिलवा देंगे। खिचड़ू पाल कहलन कि चाहे फांसी दिलवा दिया लोगन ना चाहे सजाए हमके एकर परवाह ना हो तुम लोग बतौला हम तुम लोग का मार के कपार फोड़ दे तो फांसी भी हो जाई तो मंजूर बा लेकिन हम राजा साहब को दर्शन तो कर ले। लिया के सिपाही जब चल दलन खिचड़ू पाल के तो नतीजा निकलल का यहाँ एक ठे गीत बा। देखा एक बेर बेचन भैया जन बाण अपने मलकिन के संगे गैलन ददरी का मेला देखे बाबा बाबा। मेला देखे गैलन बड़ी भीड़ रल ददरी के मेला में। भैया मेला में जन बा दोनों परानिन के साथ छूट गल आ जब साथ छूट गल ते मलकिन पहुंचली दरोगा जी केहन और जाय के रपट लिखवावत थी का कहली वह तरज बा अरे लिखा लिखा दरोगा बाबू हमारी हो रपाटिया अरे हमारी हो रपाटिया कहाँ है रही लेना बोला बोला कहाँ है रही लेना हमारो के अंदर भाव बड़ा बढ़िया बा। अरे आगे लेके चले सिपाही तेली ने कमलिनिया अरे तेली ने कमलिनिया धक्का खाई के ए भैया धक्का खाई के ना गिरल तेली नी कटे लावा धक्का खाई के ना गिरल तेली नी
बेचे जात रहल, एक ठे मालिन जोन बा हरियाणा से माला बेचे आवत रहल, दुनहुन में धक्का लग गयल। आ जब धक्का लगल तो तेलिनिया का थोड़ी तेल जोन बा भुइया गिर गल। तेलिनिया जब बिगड़े लगल तो मलिनिया उसे एक ठे बात कहत हो का, अरे कह मलिनिया सुनाए बहिनी ना बा दोष हमार। सुबह मान ल जाला बतिया सुना हमारे बहनी। अरे बिगड़ा जिन तेल का गिरल तो शुभ होला जाय, आज तुहार बहुत बढ़िया बिक्री हुई। ए भैया सिपाही लोग लिया के खिचड़ू पाल के तबले वही जब पहुंच गए जहां मलिनिया तेलिनिया बतियावत रही। खिचड़ू पाल जब बतिया सुनलन तो कहलन कि अरे यार हमहू तो जात है सुबह में, तनी था अपनो काम हम बना ले। का कैलन अरे ए तानी हो बचनिया जब की सुनाला खिचड़ू आय अरे सुनाला हो खिचड़ू धक्का खाई के ना। बोला बोला धक्का खाई के लौकत ना हो अखिया फूटल हो का। खिचड़ू पाल कहना कि देखा भाई बिगड़ा जी, हो मालिन जो नहीं कहलिए ना कि तेल का गिरल शुभ होला, तो हम सोचलिए कि जात है हम अपने राजा के देखे शुभ काम में जात है, यही से तोहार बचल का तेलवा गिरा देली है। तेलिनिया कलश की चल चल राजा से हम तो के डबल फांसी दिवा दे। ए भैया जब लिया के खिचड़ू पाल के सिपाही चलन तो तेलिन और मलिनिया दोनों चल देहलिन। नतीजा निकलल का यहाँ एक ठे गीत बा। वह गीत का लाइन बा जोन मास्टर साहब बजावत हुवन कि गोरी हो गालावा पै गोदाना गोदाई के, गोरी हो गालावा पै गोदाना गोदाई के जाली शरमाई के, जाली शरमाई के भाव कवि जी लिखले हुन का आगे मिलल एक पान के दुकान बा, आगे मिलल एक पान के दुकान बा अच्छा पहचान बा, अच्छा पहचान। पनवाड़ी कहलन का कि देखी के सिपाही पनवाड़ी कहे पहचान बा, अच्छा पहचान बा शुभ मानल जाला अच्छा पहचान बा, अच्छा पहचान बा शुभ मानल जाला अच्छा पहचान बा, अच्छा पहचान बा।
खिचड़ू पाल बेचारू सोचलन कि पान जब में पान जब इतना शुभ हो तो पनवाड़ी से कहलन कि हे भैया तनि हमहू के ठे पनवा लगा के दे देता। पनवाड़ी कहलन कि पैसा ऐसा हो कहना भा पैसा तो ना हो शुभ काम में जात है एक ठे पनवा दे देता तो बड़ा बढ़िया रहल। पनवाड़ी कहलन कि पान खायल हुआ चोखा ऐसा मुँह ले ले पान खायल हुआ हमारे ठे बात सुना जा कौनो मेहरारू जोन बा ओठ रंग ले आवत हो अपन ओठवा रगड़ लिया तोहार मुहवा जोन हो लाल हो जाई। नतीजा निकलल का बिरहा के टेरी में भावा अरे राम मस्करिया सब कर फेल हो गई मस्करिया सब कर फेल हो गई गई ले खिचड़ू पाल जब राजा के कचहरिया पहपट का अंदाज लगल मास्टर हाय हसे गड़रिया मन में करत विचार सार पगलाइल बांध हमारा के बुझत बानी पट गवार सार पगलाइल बांध हमारा के बुझत बानी पट गवार सार पगलाइल बांध हमारा के बुझत बानी पट गवार सार पगलाइल बांध तक कहे सिपाही ये करा के दियावल जाई फांसी हो तेली नौ मलिनिया कहली हमहू करब गवाही हो चले अगाड़ी बढ़ल जिगर में खार सार पगलाइल बा अपन वरिया के आवत रहली नार सार पगलाइल बा वही पनवाड़ी का मेहरारू जोन बा राजा खूब सौदा बना के बाजारे आवत रहल। खिचड़ू पाल जब दूरबीन से देखलन तो सोचत हुआ कि अब राजा हमार काम बन जाई। नतीजा निकलल काम के चढ़ी जवानी मस्तानी ओठवा के रंग ले लाल हो अब बिना बिचारे कच कचाई के अरे पकड़े खिचड़ू पाल हो अरे ओठ ओठ सटा के बारंबार सार पगलाइल बा लगल बनावे मुहावा के रंगदार सार पगलाइल दुकान छोड़ के बेचारू जोन बाणा दौड़लन जाके कहलन कि ए का करत हुआ शरम ना आवत हो ठाड़ी है इज्जत हमार बाजार में ले लहला चला राजा से तुहके टीबल फांसी दिवा दे कुल जाने लिया के खिचड़ू पाल के राजा केहन पहुंचलन हम बाबूजी। नतीजा निकलल का आल्हा में भाव लगल हाय तले के सिपाही गईले राजा के समनवाए भैया राजा के समनवा का हल सिरना ए बड़ा मन बढ़ुआ बाचा रावत रहल भेड़िया भैया तनी राजा के देखा दा तो ये लोग कहलन कि कौनो आदमी के दस पांच जूता मारा उले जा के राजा के देखा दे तो हम सोचली कि सरकार बेगर कसूर का केहू के कैसे मारी इनहलोन से बढ़िया केहू ना लौकत बा यही से मार के इनहलोन का थुथुन हम फिट कर दहली आ तबले मलिनिया कहलस काम कि कहले तेलिनिया हम तेलावा गिरावल अरे ये कारा के फंसिया तू दे दा सरकार खिचड़ू पाल कहना कि सरकार
ते लेकर हम जरूर गिरौली, लेकिन मलिनिया जब पहले गिरौलस बिगड़े लगल तो मलिनिया कहलस कि ए बहनी तेल का गिरल शुभ होला, तुहार आज धंधा बढ़िया होई। तो सरकार हम सोचली कि हम जात है राजा के देखे, हम अपन शुभ बना ले गिरा के। आ तबले पनवरिया कहलस काम कि कह पनवारी हम लुटल जतिया, दादा रे दादा बीच बाजार में हमारे मेहरारू के पटक क्यों करे उठवा पोठवा रगड़त रहल। तो सरकार के फांसी दिवा दा। खिचड़ू पाल कहना कि सरकार ठीक कहत हो, जवन कहत हो सच हो, लेकिन इस सिपाही लोगन के पान दहल सा हम पान मंगली ते अपने दुकानी पर हमसे कहना कि चोखा ऐसा मुँह ले लाल हुआ पान खाए जब कौनो मेहरारू ओठ रंग ले आवत हो ओठवा रगर लिया तोहरो मुहवा लाल हो जाये। तो सरकार हम का जानी कि उन्हीं का मेहरारू रहल, उन्हीं का मेहरारू ही रहल, हम अपन धई के रगर दहली। राजा जब सबकर बात सुन लेलन तो खिचड़ू पाल से कहलन का यहाँ आखिरी लाइन में भाव बा, राजा कह कि तू तबाटा होशियार बबुआ, तो जवन चाही मांगा हमसे पुरस्कार बबुआ, चारों ठौरा खड़ा होके सोचत हुआ अपने मन में कि बाप रे बाप हम अहन का फजीहतियो कैलस आ पुरस्कारों जौन बा राजा साहेब यही के देव कहत हुआ। चारों ठौरा हाथ जोड़ के कहत हुआ कि हे भा खिचड़ू सुना, हे भैया खिचड़ू, अरे भा बड़ी दुर्गत कैले हुआ, जवन पैया उनमें से हम अहनों के हिस्सा दिया भैया। हे भैया खिचड़ू पाल जब उनहन का बतिया सुन लेलन तो सोचलन कि ऐसा चीज राजा से हम मांगे कि इनहनों के कुछ मजे का दिया जा। राजा से कहलन कि सरकार हमके धन दौलत ना चाहिए, 100 ठे जूता दे दा। राजा साहब कहलन कि 100 ठे जूता का करबा, तो खिचड़ू पाल कहलन कि 25-25 जूता से है सिपहियन के पीटब आ 25-25 जूता से तेलिनिया के पनवरिया के पीटब। ये तनी बात जब चारों सुनलन है कहलन कि दोहाई भा कहो जवन कैला तोन बहुत बढ़िया कैला, अब मरला तो गौए मरला भाई, यह बिराहा कनी चोड़ रहल बाबूजी। नतीजा निकलल काम, स्वामी गुरु बिहारी पत्तू खत्म भयल दस्तान, सरजू ग्वाला सरगनगरिया जाके करे बिहान हो, राम मस्करिया सब कर फेल हो गई, मस्करिया सब कर फेल हो गई।